बीपीएससी द्वारा आयोजित द्वितीय चरण शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पहले दिन जिले के 12 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। परीक्षा के पहले दिन शुक्रवार को 12 केंद्रों पर 5,482 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा केंद्र के बाहर जांच के बाद अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कराया गया, जिसके बाद 12 बजे से परीक्षा शुरू हुई। इस दौरान जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर डीएम के निर्देश पर सभी केंद्राधीक्षकों को तैनात किया गया है, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई तो केंद्राधीक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि भागलपुर जिले में 8 से 15 दिसंबर के बीच 5 दिन तक बीपीएससी की ओर से आयोजित द्वितीय चरण शिक्षक नियुक्ति परीक्षा होगी। वहीं पहले दिन परीक्षा देकर परीक्षा केंद्र से बाहर निकले अभ्यर्थी के चेहरे पर खुशी देखी गई। भागलपुर बरारी रोड स्थित आईटीआई कॉलेज के समीप चलती बाइक पर अचानक बंदर कूद गया। घटना में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सीडीपीओ ने अपने ड्राइवर की मदद से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। घायल बाइक चालक की पहचान कोलकाता निवासी अशोक के रूप में हुई है, जो स्मार्ट सिटी भागलपुर में कार्यरत है। दरअसल नवगछिया में कार्यरत सीडीपीओ चंचला कुमारी नवगछिया से अपने आवास भागलपुर की ओर लौट रही थी, तभी सड़क किनारे घायल पड़े युवक को देखा, जिसके बाद वह खुद गाड़ी से उतरकर घायल युवक के पास पहुंची और इलाज के लिए उसे बरारी स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लेकर गई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अशोक को बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। सीडीपीओ ने बताया कि उन्होंने मानवता का धर्म निभाते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए मायागंज में एडमिट कराया है। उन्होंने कहा कि मेरे इस कार्य में मेरे ड्राइवर ने मेरी मदद की है। भोलानाथ पुल फ्लाईओवर के निर्माण के लिए इसाकचक पासीटोला से शीतला स्थान चौक के बीच सड़क किनारे लगे पुल को काटकर हटाया गया, जबकि बिजली के तार और ट्रांसफार्मर को पहले ही शिफ्ट किया जा चुका है। इस दौरान पुल हटाने के लिए बिजली आपूर्ति को बंद रखा गया था, जिसके कारण शहर के कई इलाकों में 4 घंटों के लिए बिजली प्रभावित रही। हालांकि शटडाउन लेने की सूचना नहीं होने से आम लोगों को घरेलू कार्यों के लिए बिजली नहीं रहने से थोड़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। वहीं दूसरी ओर भोलानाथ पुल फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 6 नंबर की पाइलिंग का काम पूरा हो गया है, जबकि 7 नंबर पिलर के लिए पाइलिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। फ्लाईओवर के कार्य को देखते हुए ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है और ट्रैफिक ब्लॉक रहने के कारण लोगों को काफी घूमकर जाना पड़ रहा है, जिसके कारण लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई है। आम चुनाव 2024 विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर निर्वाचक साक्षरता क्लब का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गुरुवार को TNB कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान युवा मतदाताओं को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराने के लिए प्रेरित किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने युवा मतदाताओं को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराने की अपील की। डीएम ने कहा कि मतदाता सूची में नाम पंजीकृत कराने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से दिया जा सकता है। मतदाता सूची में नाम पंजीकृत कराने के प्रारूप 6 में आवेदन संबंधित मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी को दिया जा सकता है। वहीं उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने कहा कि मताधिकार का उपयोग इच्छानुरूप जनप्रतिनिधि चयन के साथ लोकतांत्रिक दायित्व निर्वहन के गौरव बोध का प्रतीक है। मौसम बदलने से शहर में सर्दी जुकाम के साथ वायरल फीवर के मरीज भी बढ़ गए हैं। गले में इन्फेक्शन के साथ शरीर में वायरस प्रवेश कर रहा है। 2 दिनों तक गले में संक्रमण रहने के बाद सर्दी जुकाम और बाद में तेज बुखार की शिकायत भी हो रही है। यह बुखार 4-5 दिन रहने के बाद मरीज ठीक भी हो रहे हैं। मायागंज अस्पताल, सदर अस्पताल समेत शहर के निजी नर्सिंग होम में हर दिन ऐसे ही शिकायत लेकर मरीज पहुँच रहे हैं। मायागंज अस्पताल स्थित मेडिसिन विभाग
विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर राजकमल चौधरी ने कहा कि यह मौसम में बदलाव के कारण ही वायरस ज़्यादा ताकतवर हुआ है। सप्ताह भर पहले तक दिन में गर्मी पड़ रही थी, लेकिन शाम होते ही तापमान में गिरावट आ जाती थी। रात को पारा कम होने के कारण हल्की ठंडी भी रहती थी, पर लोग गर्मी के चलते एसी व पंखों का इस्तेमाल पहले ही की तरह करने लगे थे, तो उन लोगों को यह परेशानियां ज्यादा हुई। रात में जब पारा कम होता है तब एसी की ठंडी हवा ज्यादा परेशान करती है और गले में संक्रमण शुरू हो जाता है। मौसम में अचानक हुए बदलाव के चलते लोग बीमार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में भी फैल रहा है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर जिला कृषि कार्यालय परिसर में आयोजित कृषि यांत्रिकरण योजना 2023-24 के तहत दो दिवसीय जिला स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला का समापन हो गया। हालांकि गुरुवार को बारिश होने की वजह से मेला में दूसरे दिन कृषि यंत्रों की खरीददारी करने के लिए बहुत कम संख्या में किसान मेला पहुंचे। कृषि यांत्रिकरण मेला में केवल 9 यंत्रों की ही खरीददारी किसानों के द्वारा की गई। इसको लेकर कृषि अभियंत्रण के सहायक निदेशक डॉक्टर लैलिना ने बताया कि दो दिनों में 6.78 लाख रुपए के 35 यंत्रों की बिक्री हुई है, जबकि मेला में 11 विक्रेताओं ने स्टॉल लगाए थे, जिनमें रीपर कंबाइंडर, फोर व्हील इलेक्ट्रिक चैप कटर, मैनुअल चैप कटर, पावर स्प्रेयर, थ्री व्हील सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर समेत अन्य यंत्रों की बिक्री हुई। जिला कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार यादव ने बताया कि बारिश की वजह होने से मेला में कम किसान पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसान सामान्य समय में भी कृषि यंत्रों की खरीददारी कर सकते हैं। किसानों को सभी तरह की सरकारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और योजना का लाभ भी दिया जाएगा। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महाजन टोला वार्ड 16 में जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में जमीन मालिक आलोक कुमार चौधरी ने थाना में लिखित आवेदन देकर कहा कि मेरी दादी नंदनी देवी के नाम से महाजन टोला वार्ड 16 सुल्तानगंज में एक किता जमीन है, उस पर बंटी खान, आकाश खान, हीरा खान के द्वारा हथियार दिखाकर मारपीट की गई, साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। जबकि दूसरे पक्ष से बंटी खान की मौसी बीबी असीम ने बताया कि जमीन नंदनी देवी ने नशीमा खातून के नाम से लिख दिया है। फिलहाल सुल्तानगंज पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि यह जमीन आलोक कुमार चौधरी का है, जिस पर बंटी खान के घर के लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। मैं आलोक कुमार चौधरी, पिता स्वर्गीय चौधरी का सुपुत्र हूँ। ये मेरी दादी नंदनी देवी के, स्वर्गीय नंदनी देवी के नाम से ये जमीन है। कहाँ है ये? इस प्लॉट पर अभी खड़े हैं। कौन सा जगह? मैं रहने वाला हूँ टीकापट्टी, पश्चिमी चांदपुर, थाना पोटिया, जिला कटिया। ये आपके दादी के नाम से जमीन? जी जी। क्या जी नाम है दादी का? नंदनी, स्वर्गीय नंदनी देवी। कौन सा जगह है ये? सुल्तानगंज महाजन टोला। महाजन टोला जी। कितना जमीन है ये? 8 डिसमिल। 8 डिसमिल जी सर। तो क्या हो रहा है इस जमीन पे? जमीन में सर ये लोग अवैध कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहा है। कौन लोग? हीरा खां, बंटी खां और उसका कुछ सहयोगी सब थे। 5-6 लड़का हमको जबरदस्ती हमको गला पकड़ के गाली गलौज किया। मेरा सोना का सिकड़ी था वो ले लिया,
ये भी एक मेरा है जनता, वो भी सोचा कि ले लें, लेकिन वो देखा कि ये काम का नहीं है, नहीं लिया। मेरा मोबाइल ले लिया, मेरा घड़ी था, सब छीन लिया। क्या क्या कहना चाह रहा है? हम कहना चाह रहे हैं कि वो लोग का क्या कहना है? जमीन जमीन आपका है? जी सर, मेरे दादी का, स्वर्गीय दादी का। तो वो मेरा हुआ ना, मैं उसका पोता हूँ। तो क्यों, क्या हथियार दिखा रहा, क्या दिखा रहा? हाँ, हथियार के बल पर 5-7 आदमी से आया था, गाड़ी कहाँ लगाया था पता नहीं। क्या क्या नाम बताए थे जो लोग? हीरा खा, बंटी खा, आकाश खा, ये लोग कब्जा, वही लोग मेन है, लेकिन और उसके साथ बहुत आदमी था कब्जा।